शाहरुख खान की जवान 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर लोगों में क्रेज देखने को बन रहा है। एडवांस बुकिंग में भी फिल्म शानदार कमाई कर चुकी है। जहां देश भर में लोग जवान देख पाएंगे, वहीं दिल्ली के लोगों को जवान देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल G20 समिट के चलते दिल्ली में 3 दिन तक कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें कुछ थिएटर्स भी बंद रहेंगे। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं GPT एंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। देखिए, G20 समिट की वजह से 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट ऑफिस तो बंद रहेंगे ही, साथ ही कुछ सिनेमा घरों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस पर थिएटर ओनर का रिएक्शन सामने आया है। दरअसल उनका कहना है कि इससे फिल्म को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। PVR आयोनेक्स लिमिटेड के एक्सक्लूसिव डायरेक्टर संजीव कुमार बिजली ने PTI भाषा से बातचीत करते हुए बताया है कि G20 समिट की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते मध्य दिल्ली यानी कि सेंट्रल दिल्ली के साथ साथ PVR थिएटर, PVR प्लाजा, रिवोली ओडियन और ECX चाणक्यपुरी बंद रहेंगे। हालांकि इस फिल्म पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सभी लगभग 2000 सीटों वाले सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं। लेकिन शाहरुख खान की जवान पहले दिन कमाई जो है वो शानदार कमाई कर सकती है। ये फिल्म ओपनिंग डे पर कई रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। रिपोर्ट्स के माने तो शाहरुख खान की जवान उनकी ही फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़कर करीब 70 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। जवान की बात करें तो इसे एटली कुमार ने डायरेक्ट करने के साथ लिखा भी है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ साथ नयनतारा, विजय सेतुपति, सानिया मल्होत्रा और प्रिया मणि लीड रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही दीपिका पादुकोण को कैमियो भी मिला है। ट्रेलर में फैंस को दीपिका की झलक दिख चुकी है, जिसके बाद से वो फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रहे हैं GPT एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।